गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग अभिषेक नगेंद्र शिफाली मानसी नितिश हाँ जी तो हम देख रहे थे कि हमारा आज डे सिक्सटी वन है और हम पेंटिंग्स डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जैसा कि हमने शेड्यूल में देखा था ठीक है जी तो आई होप आप लोगों की होली अच्छी रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं कि आपको ऑडियो क्लियर है या नहीं है फिर हम आगे चलते हैं तो पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री के परस्पेक्टिव से भी और मेन्स के परस्पेक्टिव से भी क्योंकि आपकी सिर्फ छोटा सा पोर्शन है और काफी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है और एग्जाम में काफ़ी बारी देखा गया है ओके थैंक यू चुनित तो ये हमारा आज का शेड्यूल है मंडे को आज हम पेंटिंग्स और पेंटर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश डिस्कस कर रहे हैं और कल ट्यूसडे से हम ट्राइब्स डिस्कस करेंगे और वेनजडे को भी कंटिन्यू करेंगे ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है कुछ एशियन ट्राइब्स है कुछ मॉडर्न ट्राइब्स है लाहौलाज है किनौराज है आपके सोंगलाज है पंगवाल्स है तो ये सारी ट्राइब्स जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइड बाई साइड ठीक है जी तो स्टार्ट करते हैं हम आज ये हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे यूट्यूब पे और वेबसाइट पे है और ये पर्टिकुलर सीरीज जो हमारी चल रही है एचपी जी के रिविजन सीरीज इसकी क्वेश्चन uh, भी आपको ये जो हम डिस्कस करते हैं वो क्विज फॉर्म में आपको सिविल स्टाफ हिमाचल के एचपी के क्विज सेक्शन में मिल जाती है डेली बेसिस पे ठीक है जी हाँ जी तो अभी हम डिस्कस uh, करते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में तो ये सीरीज हमारी एम सी क्यू बेस सीरीज़ है हम बलोखरा कवर कर रहे हैं मेनली और अदर रेलिवेंट सोर्सेज से भी और बीच बीच से हमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं जो उस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि, कि किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है अपना रिविजन के लिए या फिर फर्स्ट टाइम अगर बिगनर्स पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ठीक है जी वरना बहुत वास्ट है आपकी बलोखरा तो उसमें गुम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ इस सीरीज के बारे में ये है कि आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हम क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे वो आपके वन लाइनर क्वेश्चन हो या मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन हो ठीक है जी तो एंट्री के लिए ये सीरीज आप लोग जरूर अटेंड कीजिए जिन्होंने बाकी नहीं देखा हमने डिस्ट्रिक्ट कवर की है और अब हम कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश कवर कर रहे हैं उसी का पार्ट हम आज कर रहे हैं पेंटिंग्स हाँ जी तो काफी लोग आ चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट आपकी है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग इज द अर्लीस्ट नोन हिल स्कूल ऑफ पेंटिंग इन हिमाचल रीजन सेकेंड आपका है इन बशोली स्कूल कलर्स हैव बीन यूज सिंबोलिकली लाइक रेड फॉर लव येलो फॉर स्प्रिंग एंड एट्सेट्रा थर्ड आपकी है राजा भूरी सिंह रिवाइव चंबा रुमाल क्राफ्ट एंड देम टू दिल्ली दरबार विच ऑफ द अब स्टेटमेंट इज करेक्ट आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपके ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली थ्री ओनली या फिर टू एंड थ्री ओनली हां जी तो अनु डी कह रही है संदीप डी कह रहे हैं हां जी सब सब लोग ही डी कह रहे हैं अभिषेक टू कह रहे हैं हाँ जी तो तो देखते हैं हैं डिस्कस करते हम वन वन बाय तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जो है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ओल्डेस्ट है आपका या फिर अर्लिएस्ट नोन है ये स्टेटमेंट आपकी गलत है क्योंकि आपका कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग नहीं है हाँ जी मानसी बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो आपका अर्लिएस्ट नोन स्कूल ऑफ पेंटिंग है तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट आपकी कहती है कि बशोली स्कूल जो है वहाँ पे कलर ऐसे यूज हुआ करते थे थीम वाइज सिंबल की तरह जैसे रेड लव के लिए है येलो स्प्रिंग के लिए है स्प्रिंग सीजन के लिए जो ब्लू है वो आपका वॉटर रेन क्लाउड इन सब के लिए यूज होता था तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है ठीक है जी तो अब थर्ड स्टेटमेंट जो है राजा भूरी सिंह के बारे में है चंबा के तो आई होप आप लोगों को चंबा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री याद होगी वहां पे हमने भूरी सिंह के बारे में पढ़ा था भूरी सिंह म्यूजियम के बारे में भी पढ़ा था और भूरी राजा भूरी सिंह का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था और कितना पेटरनाइज करते थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को वो भी हमने देखा था ठीक है जी तो उन्होंने यहाँ पे चंबा रुमाल का जो क्राफ्ट है उसको रिवाइव किया था उन्होंने और उसके उनके साथ एक और थे उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन uh, कर दीजिए इन दो लोगों ने जो है चंबा रुमाल के आर्ट को रिवाइव किया था तो राजा भूरी सिंह जब दिल्ली दरबार में अटेंड करने जाते थे तो वो ये आर्ट अपने साथ कैरी करते थे एक पब्लिसिटी के फॉर्म में या फिर किसी को गिफ्ट करने के फॉर्म में तो इससे भी काफी फेमस हुआ आपका चंबा रुमाल ठीक है जी हां जी अजय जेपी वोगल जेपी वोगल और राजा भूरी सिंह ने रिवाइव किया था तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है तो जो लोग डी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन टू एंड थ्री आर करेक्ट वन इन करेक्ट है क्योंकि ये आपका बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में ठीक है ये अलियस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग है ठीक है सेकंड हमने देख लिया है कि बशोली स्कूल है वो सिम्बोलिकली कलर्स को यूज करता है रेड फॉर लव येलो फॉर स्प्रिंग टाइप और आपके राजा भूरी सिंह जो है वो उन्होंने रिवाइव किया था चंबा रूमाल का क्राफ्ट और वो डेली दरबार ऑफ नाइनटीन और नाइनटीन में लेके भी गए थे चंबा रूमाल को डेली ठीक है जी तो ये हमारे क्वेश्चन रिलेटेड थे पेंटिंग स्कूल से रिलेटेड तो ये हमारी पेंटिंग्स है तो जैसे कि हमने थीम्स भी पढ़े होंगे कि वैश्नेजिज्म के ऊपर या फिर जो इनकारनेशन है विष्णु के राधा कृष्ण है ठीक है जी रसिक प्रिया है तो ऐसे ऐसे हमने थीम्स पढ़े हैं कि इनके ऊपर बेस्ड ही आपकी जो पेंटिंग्स हुआ करती थी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राधा कृष्ण अब आप कलर्स भी देखिए कितने ब्यूटिफुली और इंट्रीग्रेटली यूज किए हैं यहाँ पे ब्राइट कलर्स यूज किए हैं तो ये राधा कृष्ण है तो यहाँ पे एक और पिक्चराइज किया है सीन जहाँ पे नहला रहे हैं कृष्ण भगवान को तो ये आपकी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में यूज किए गए कलर्स हैं और इस तरह की आपको पेंटिंग्स आप गूगल uh, पे डालेंगे कांगड़ा पेंटिंग्स तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग और कलरफुल पेंटिंग्स वहाँ भी देखने को मिलेगी तो उनको जरूर देखें ठीक है उनमें से कुछ ये है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है लिस्ट वन में आपको किंग के नाम दिए हैं और लिस्ट टू में आपको पेंटर्स के नाम दिए हैं कि इन किंग्स के टाइम पे कौन से पेंटर्स जो आपके अवेलेबल थे तो लिस्ट वन में है आपका राजा राज सिंह राजा संसार चंद राजा समरसेन और राजा प्रीतम सिंह लिस्ट टू में है आपका निका मनकू सजनू और गुलेर बख्श तो आपको मैच करना है तो हां जी कमेंट सेक्शन में बताइए प्रणव बी कह रहे हैं नेहा बीबी कह रही है अनु बी कह, कह रहे हैं ठीक है संदीप डी कह रहे हैं तो बी मैक्सिमम लोग बी कह रहे हैं तो देखते हैं हम अब हमारे अगर आप लोगों को राजा भी याद हैं तो आपको पता है कि राजा राज सिंह जो है वो चंबा के थे और निका जो है काफी फेमस पेंटर थे चंबा के ठीक है जी तो ये इस फैक्ट से सॉल्व करके हम बाकी सारे ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए अगर आपको ए का वन पता है ठीक है जी तो एलिमिनेशन मेथड से भी ये तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं और ऑप्शन बी आपका जो है आंसर हो जाता है तो बी का आपका संसार चंद्र राजा के टाइम पे मनकू थे समर सेन के टाइम पे आपके गुलेर बख्श थे और सॉरी और राजा प्रीतम सिंह के टाइम में आपके सजनू थे तो ये सारे पेंटर्स हैं अब आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि कौन से पेंटर्स थे और कौन से आ, मतलब आर्ट ऑफ स्कूल में थे यहां तो आपको राजा मैं और ये राजा कहां, कहां के राजा थे तो कोई भी पॉमटेशन और कॉम्बिनेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है जी तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है बी तो अब राजा राज सिंह ऑफ चंबा के रेन में आपके निका थे ठीक है चंबा स्टाइल ऑफ पेंटिंग वो किया करते थे मनकू जो थे आपके वो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग अब हमने देखा है पेंटिंग्स आपकी वॉल पेंटिंग्स हुआ करती थी मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग्स हुआ करती थी मिनिएचर पेंटिंग्स हुआ करती थी तो उनमें से मनकू जो है वो मिनिएचर पेंटिंग जो है वो किया करते थे और वो संसार चंद ऑफ कांगड़ा के टाइम पे पेंटर थे उनके दरबार में ठीक है जी अब थर्ड है आपका समर सेन ठीक है समर सेन जो है आ, उनके टाइम पे गुलेर बख्श जो है वो पेंटर थे उनको भेजा गया था मंडी से गुलेर ठीक है जी क्योंकि गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो पहले था तो वहां पे भेजा गया था मंडी से इन्हें ताकि ये पेंटिंग सीख के आए फिर आपका सजनु है सजनू कुल्लू स्टाइल के फेमस पेंटर है और कौन से राजा ने इनको पेट्रोनाइज किया है किंग प्रीतम सिंह ऑफ कुल्लू ठीक है जब ये ये अपने थ्रोन पे बैठे तो ये काफी आर्ट को पसंद करते थे तो इन्होंने पेट्रोनाइज किया 1667 में तो ये हमारे कुछ राजा थे और कुछ पेंटर्स थे जो उनके कंटेम्प्रेरी थे ठीक है जी तो नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द फेमस फैमिलीज ऑफ चंबा हु एक्वायर्ड नेम इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग तो आपके ऑप्शंस है ए गंजरू बी किशन लाल सी गोडू या फिर डी ऑल ऑफ द अब तो इनमें से कौन पेंटर्स है जी तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन कर सकते हैं हां जी पंकज वेरी गुड मॉर्निंग प्रीति डी कह रही है मानसी भी डी कह रही है हां जी तो ये यही होता है ट्रिक क्वेश्चन इसी में आप सब फंस गए क्योंकि आपने देखा चंबा फैमिलीज में पेंटर्स के बहुत सारे नाम है तो आपने ऑल ऑफ द अबव कर दिया लेकिन इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं है इसका आंसर है ए गंजड़ू बहुत सारे हैं बट वो बी और सी उनमें नहीं है ठीक है जी तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका ए तो देखते हैं ऑल ऑफ द अबव कब होता अगर आपका किशन लाल और गोधू की जगह मंगू बनवारी घाली मुकुंद गंजड़ू ये पाँच फैमिलीज है जो चंबा फैमिलीज आपको लास्ट पेज में बलोखरा के दिया है तो इनके आगे कॉन्टिन्यूएशन में भी बहुत दिया है कि इनके बेटे ये थे ये थे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मेन मेन जो नाम है आपके वो मंगू बनवारी घली घाली या मुकुंद गंजरू ये सब लोग हैं तो ये अगर पांचों में से कोई ऑप्शन में होते तो आपका ऑल ऑफ द अब होता हाँ जी हाँ जी अनु ए इसका आंसर है ठीक है जी तो किशन लाल और गोधू जो है आपके ये आपके इंचार्ज थे संसार चंद के अटीलियर इंचार्ज ठीक है अटीलियर क्या होता है आपका एक वर्कशॉप टाइप होती है आर्ट गैलरी टाइप होती है ठीक है जी उसके इंचार्ज थे आपके किशन लाल और गोधू तो ये कांगड़ा से रिलेटेड है और बाकी सारे पेंटर्स जो यहाँ पे पूछे गए हैं वो आपको चंबा फैमिली जो आर्ट ऑफ पेंटिंग से एसोसिएटेड थे वो चंबा फैमिली से आपको पूछे गए थे ठीक है जी तो ये आपका ऑप्शन ए इसका आंसर है तो आपको सारे रटने की जरूरत नहीं है बट ये जो मेन मेन आपके पांच नाम हैं बस इतने याद कर लीजिए क्योंकि यू नेवर नो कब क्योंकि पेंटिंग्स में से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं और काफी सारे कॉमन क्वेश्चन अब कॉमन हो भी चुके हैं तो जो अब अनकॉमन है उसको तो ध्यान से पढ़ ही लीजिए कॉमन वाला तो हम रिवाइज करते ही हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़िएगा आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है सोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन विलेज अंडरेटा इन कांगड़ा बहुत कॉमन है सेकेंड है आपका सोनी महिवाल इज द आर्ट वर्क ऑफ फेमस रशियन पेंटर हु इज ऑल्सो नोन एज महारिशी थर्ड आपका है महेशी देवी रिसीव नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट्समैन इन एम्ब्रॉयडरी विच ऑफ द अब स्टेटमेंट इज और इनकरेक्ट आप लोगों को इनकरेक्ट बताना है ठीक है जी तो ध्यान से मार्क कीजिए तो बी कह रहे हैं काफी लोग प्रणव भी, भी कह रहे हैं अनु चुनित हाँ जी ठीक है अभिषेक डी भी कह रहे हैं एक डिफरेंट आंसर आया है तो देखते हैं हम स्टेटमेंट्स डिस्कस करते हैं अपनी जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी है बहुत कॉमन है और बहुत ही अः ईजी है कि शोभा तो से बड़े से हर एग्जाम वन लाइनर फॉर्म में हमने बहुत बार क्वेश्चन देखा है तो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है जो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें क्या गलत है वो स्टेटमेंट गलत है उसमें ये गलत है कि सोनी मेहवाल जो है आपकी वो आर्ट वर्क किसका है आपका रशियन पेंटर का नहीं है वो आपका शोभा सिंह का ही है इसीलिए आपकी इनकरेक्ट हो गई थर्ड आपकी है महेशी देवी को नेशनल अवार्ड मिला था एम्ब्रॉयडरी के लिए बाद में उसको उनको एज एन इंस्ट्रक्टर भी अपॉइंट किया गया ठीक है ट्रेनिंग जो आपका ट्रेनिंग कम डेमोन्स्ट्रेशन वो खुला था तो उसमें उनको इंस्ट्रक्टर भी अपॉइंट किया गया और 1965 में इनको ये नेशनल अवार्ड मिला था तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है तो लेकिन आपको यहाँ क्या पूछा है इनकरेक्ट तो आपकी टू ओनली या बी इनकरेक्ट है तो जो लोग बी कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे ठीक है जी हाँ जी तो नेक्स्ट देखते हैं हम शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो विलेज एंडरेटा में है कांगड़ा में है बहुत कॉमन फैक्ट है आप रिवाइज करें तो आपको पता होगा आप फ्रेशर हैं तो इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए सेकंड है शोभा सिंह का ही आर्ट वर्क जो था वो था सोनी महिवाल थर्ड है निकोलस रोरिक आपके जो है वो रशियन पेंटर थे जिनको महारिशि भी बोला जाता है तो अब इनकी काफी फेमस आर्ट गैलरी भी है रोरिक आर्ट गैलरी जो कुल्लू के नगर में है ठीक है जी तो इनके बेटे थी इनकी बहू थी देवी का रानी जो एक्ट्रेस थी तो काफी फेमस फैमिली थी ये लोग तो ये यहीं पे आके रशिया से सेटल हो गए थे ठीक है जी तो निकोलस रोरिक के बारे में ये है फिर महेशी देवी भी हमने देख ही लिया है कि उनको नेशनल अवार्ड मिला था 1965 में हाँ जी हाँ जी अजय 1965 में तो ये हमारे कुछ आ, लेटेस्ट पेंटर्स से लेकर को लेकर क्वेश्चन थे नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एन टी के मेन्स में आया है टू में जो मेन्स हुआ था तो लिस्ट वन और लिस्ट टू के कंटेंट्स को आपको मैच करना है तो आपका लिस्ट वन में पैटर्न्स है और लिस्ट टू में है पेंटिंग स्टाइल ठीक है इन पेंटिंग स्टाइल को इनमें से कौन से कौन से राजा जो है वो पैटर्नाइज करते थे तो आपके पैटर्न्स में है राजा उदय सिंह राजा कृपाल गोवर्धन चंद या फिर राजा राना मेहरचंद और बी में है आपका बशोली कांगड़ा अर्की और चंबा हां जी तो ए कह रहे हैं काफी लोग अजय बी भी कह रहे हैं प्रीति भी ए कह रही है पंकज नितिश हाँ जी तो ए ही इसका आंसर है अगर आपको उदय सिंह याद हो राजा उदय सिंह चंबा में हमने पढ़ा था ठीक है नाम तो आप यहां से भी डिकोड कर सकते हैं क्योंकि आपका का फोर एक ही में है और बाकी सारे आपके एलिमिनेट हो गए ठीक है जी तो अब ये आपके लक पे डिपेंड करता है कि चार में से आपको और रिवीजन पे डिपेंड करता है लक से ज्यादा कि आपको चारों में से अगर चारों पता है तो आपका क्वेश्चन सही है अगर एक पता है और वो एक पता है जो एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प करेगा तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका उदय सिंह चंबा से अगर आपने चंबा की हिस्ट्री पढ़ी है तो आपका इजीली ए का फोर हो गया बाकी क्वेश्चंस आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आपको रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो बी का आपका है किरपाल पाल ऑफ बशोली ठीक है जी सी का है आपका गोवर्धन चंद ऑफ कांगड़ा ठीक है टू बी स्पेसिफिक गुलेर गुलेर कांगड़ा एक में आते हैं और राणा मेहरचंद है आपका अर्की तो अब आप जो लोग दर्पण भी पढ़ते हैं ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर दर्पण में भी है वहां पे ये इनकरेक्ट दिया गया है ठीक है जी तो वहां पे इसका मेहर चंद को आपका चंबा का बताया गया है तो आप वहां पे करेक्ट कर लीजिएगा ठीक है जी तो इसका आंसर आपका हो गया ए हां जी नेक्स्ट हम देखते हैं ये भी हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है द एटींथ सेंचुरी पेंटिंग ऑफ कांगड़ा कलम स्टाइल डज नॉट हैव पिक्चर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स तो अब ये थीम पे बेस्ड है तो ये pre -2017 का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए जयदेव गीत जयसीज पद्मवत या फिर डी केशवदास रसिक प्रिया हां जी तो सी कह रहे हैं आदि मानव सचिन भी सी कह रहे हैं चुनित डी कह रहे हैं अभिषेक बी कह रहे हैं हां जी मैक्सिमम लोग सी कह रहे हैं तो हाँ जी तो हम हमने बलोखरा में हमें देखने को मिलता है कि आपको थीम्स में ये बिहारी का सतसाई साफ साफ दिया है केशवदास की रसिक प्रिया साफ साफ दी है आपको जो दो चीज़ें मेंशन नहीं है बलोखरा में वो आपका ऑप्शन ए और सी है तो अब जिन लोगों ने सिर्फ बलोखरा पढ़ी होगी और या वैल्यू एडिशन नहीं की होगी वो लोग यहाँ पे फिफ्टी फिफ्टी रिस्क पे है अगर ए करेंगे या सी करेंगे तो फिफ्टी फिफ्टी रिस्क पे है ठीक है जी तो इसीलिए आपके रेलिवेंट सोर्सेज और अदर चीजें भी पढ़ना जरूरी है बट जब जब आपकी बलोखरा हो जाए ठीक है जी तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका आंसर सी है जेज पद्मावत जो है वो थीम नहीं था कांगड़ा कलम स्टाइल से रिलेटेड हाँ जी तो आंसर आपका सी हो गया नेक्स्ट हम देखते हैं ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी एन के मेन्स में आया है तो आपका इन द नाइनटीन सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग ब्यूटिफुल पीसेज ऑफ आर्ट वॉज प्रेजेंटेड टू ब्रिटिश रेजिडेंट राजा गोपाल सिंह विच इज करंटली इन द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन तो आपके ऑप्शन है कांगड़ा पेंटिंग चंबा हैंडकेचिफ या फिर कुल्लू शॉल या किनौरी पट्टी हाँ जी तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है हाँ राजा गोपाल सिंह जो आपके थे चंबा के राजा थे हाँ जी तो चंबा रुमाल चंबा रूमाल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका चंबा रूमाल को वर्ल्ड हेरिटेज में भी इंक्लूड किया है यूनेस्को ने कौन से ईयर में किया है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हाँ जी सभी बी कह रहे हैं जो बी कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका बी हाँ जी 2008 में हाँ जी शिवानी तो इसका आपका डेट भी इम्पोर्टेंट है वहाँ पे डेट भी मैंशन है बलोखरा में ईयर के साथ साथ हाँ जी अनु 31 अक्टूबर 2008 जो है डेट है वो पूरी डेट आप एज इट इज याद रख लीजिए क्योंकि ईजी है याद रखना हाँ जी तो ये हमारे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे और कुछ हमारी प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे ये आपके चंबा रुमाल है अब रुमाल का मतलब बेसिकली यही नहीं है कि जो रुमाल हम यूज करते हैं ये बेसिकली डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होता है ट्रेस के ऊपर रखने के लिए टेबल क्लॉथ की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी की है यहाँ पे एक पेंटिंग बनी है ठीक है जी तो पिलो कवर्स कुशन कवर्स आपके टेबल पे रखने के लिए साइड टेबल्स पे रखने के लिए तो ऐसे डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे और गिफ्ट्स जब राजाज के टाइम पे गिफ्ट्स का लेन देन हुआ करता था तो गिफ्ट्स को कवर करने के लिए आपकी ये क्लॉथ्स यूज़ हुआ करते थे जिन्हें हम चंबा रुमाल कहते हैं ठीक है जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोटिवस बने हैं एम्ब्रॉयडरी से बने हैं पेंटिंग से बनते हैं ठीक है जी तो ये बेसिकली थोड़ा जूम्ड व्यू है यहाँ पे आप देख रहे कितना बारीक काम है एम्ब्रॉयडरी का ठीक है तो इसीलिए हाँ जी इसीलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज भी मिला है क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम है हाँ जी तो ये हमारे सात क्वेश्चन थे आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आउट ऑफ सेवन आप लोगों के कितने करेक्ट हैं क्योंकि अब सेवन आउट ऑफ सेवन तो आई थिंक किसी का है नहीं क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हाँ जी तो आज देखते हैं चुनित के फाइव आउट ऑफ सेवन है प्रीति के सिक्स आउट ऑफ सेवन है अन्नू के सेवन आउट ऑफ सेवन है वेरी गुड हाँ जी बाकी आदि मानव अजय नागेंद्र नितिश मानसी ठीक है बहुत अच्छा स्कोर है आप लोगों का तो ऐसे ही आप लोग अटेम्प्ट करते रहो रिवाइज करते रहो आप लोगों का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है तो उसके लिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमारे कुछ कोर्सेज है जो आप लोग अवेल कर सकते हैं शिफाली के भी सेवन आउट ऑफ सेवन है तो दो लोगों के सेवन आउट ऑफ सेवन है आज हाँ जी तो तीन छुट्टियों का इन लोगों ने अच्छे से फ़ायदा उठाया हाँ जी ठीक है वेरी गुड वेरी नाइस तो हमारी जो शेड्यूल है वो ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हम डिस्कस करेंगे कल से तो आप लोग कुछ ट्राइब्स जो है वो स्टार्टिंग की रिवाइज करके आइएगा जो बलोखरा में मैंशनड है हाँ जी तो आप लोग अवेल कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ एन से रिलेटेड या फिर एन से रिलेटेड क्रैश कोर्स भी लॉन्च हुआ है तो एच से रिलेटेड प्री से रिलेटेड मेन से रिलेटेड सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और आपके डेमो लेक्चर्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कल मिलते हैं ट्राइब्स के साथ थैंक यू सो मच अ नाइस डे